क्या क्या कर रहे हैं जानू भैया? चाय बनाना सिखाते हैं आप। अच्छा अच्छा, आप तो मोहब्बत की बात बताने वाले थे। मोहब्बत और चाय दोनों का गहरा ताल्लुक है। कैसे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो ये दूध है, इसको इश्क की तरह समझो। अच्छा, ये इश्क और दूध, इसको एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये तुमने डाला जिंदगी में, केतली क्या है? जिंदगी। अच्छा, जिंदगी में तुमने ये उठेल दिया, ये इश्क, ठीक है। और ये से ये क्या है ऊपर? ये छन्नी है। ये सारी कमियां छुपा दी गई। ये जो छन्नी है ये इसका मैं आखिरी में इसका वक्त बताऊंगा अभी। अच्छा, पानी जो है पानी में महक की तरह खोल दीजिए। अरे वाह, आप भूल जाते हैं इसमें, वैसे खुद को खोल दीजिए। अब ये हल्की सी मोहब्बत की आंच पे इसको पकने दीजिए। मोहब्बत की आंच पे अभी धीमे धीमे पकेगा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ अच्छे पल, कुछ चाय पत्ती। मोहब्बत में कुछ अच्छे पल ना हो, चाय में चाय पत्ती ना हो तो अधूरा है। अब हम इसमें डालेंगे इसमें कुछ मीठा, कुछ अच्छी, कुछ सुनहरी यादें। वो अभी अभी आपने याद डाला था ना। अच्छा, वो पल था, वो पल क्या था? मतलब एक तरह से कुछ समय, कुछ वक्त। हाँ, चीनी को याद कर सकते हैं। वो चीनी को कुछ मिठास की तरह आप ले सकते हैं, याद की तरह, अच्छी मिठास। चलिए, रूहानी एहसास, ये भी अच्छा है। मतलब कितने चम्मच? हर चम्मच में कुछ नया होगा ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि अच्छा, आप अपने जिंदगी में कितना मिठास अपनाना चाहते हैं। पहला ज्यादा मीठा भी, ज्यादा मीठा भी नहीं, जहर हो जाता है। इतना ही डालिए जितना आप मीठा सह पाए। अब इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दिया जाए, वक्त के साथ धीरे धीरे इसको पकने दीजिए। और आप कहाँ जाएंगे फिर जिंदगी में? जैसे, और ये क्या चीज है? ये अदरक है। इसका थोड़ा जिंदगी में एक रूमानी एहसास डालने के लिए। अच्छा अच्छा, एक प्रेम के बाद जो अगला स्टेप होता है रूमानियत का, अच्छे पलों का, उसका है, ये उसके लिए है। मैं इसमें डालूंगा अदरक। आपने सब एक साथ मिला दिया। यही मोहब्बत है कि कुछ बचने ना दिया जाए, सब डाल दिया जाए। कुछ महक। अच्छा, ये क्या हो रहा है इसमें, क्या कर रहा है? ये मैं इसको कूट रहा हूँ। कूटने से क्या होगा? ताकि जो है एक खुल खुल के निकले। अच्छा, रुमानिया कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना बचे, कुछ शेष ना रह जाए। मोहब्बत में होता पूरा समर्पण। ये देखिए, पूरा समर्पण। अच्छा, ये समर्पित कर दिया, पूरा समर्पित हो गया। कुछ बचा तो नहीं? देखा, कुछ नहीं बचा, सब खाली कर दिया। चारी, है चारी। प्रेम इसी को कहते हैं, सब कुछ समर्पित कर देना और वक्त के साथ इसको धीमी आंच पे छोड़ देना। अभी पकेगा तो कितनी देर ये पकना चाहिए? कि ये उम्र भर पके तो भी इसका तो पियेंगे कब? मरने के बाद? अभी पियेंगे हम। अच्छा, इसका मजा जिंदगी भर चलता रहेगा। चलिए ठीक है, कुछ देर बाद आते हैं। चाय पक रही है, पक गई है मोहब्बत। अब ये पक गई है, उसके बाद क्या होगा? तब हम इसके एक एक घोट को महसूस करेंगे। किस चीज का घोट? मोहब्बत का, इश्क का, चाय का, दोनों का नशा है। दोनों ही अपने में एक अलग नशा रखते हैं। अब हम एक एक बूंद को, एक चुस्कियों का आनंद लेंगे। बस इतना ही था मोहब्बत वाली चाय? मोहब्बत की चाय तो लंबी है, लेकिन चलिए लंबी नहीं है ना, तो जितना जल्दी आनंद से पी लो उतना अच्छा है, नहीं तो लोग छीन लेते हैं। ऐसे में उठे एक गाना डाल देना, तलब 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 बस तेरी ही तलब। उसकी तरह जो कौन सा एक है, नाम क्या है उसका? कुछ नाम है बड़ा, तलब तलब तलब, अरे सर, तलब 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 बस तेरी, ऊपर 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 और ऊपर। नीचे स्लो कहता हूँ ना,
वही तो कह रहे हैं सब जल गया। देखिए ये क्या था, अभी चाय आपने जला दी है, इसका क्या मतलब है? लापरवाही। ये किस तरह की लापरवाही? इसमें क्या है? मोहब्बत में और चाय में जब भी लापरवाही होगी तो जल जाएगी। मतलब मोहब्बत में कैसी लापरवाही? इसमें तो खैर आप मोहब्बत में समय आप ना दे पाए, इसमें भी आप आज समय नहीं दिए, दोनों आपके हाथ से छूट जाएगी। तो क्या मोहब्बत और चाय इतनी बेवफा है? दोनों बेवफा क्या है, दोनों अपना काम करें। अगर आपने वक्त नहीं दिया तो अपना नियम को फॉलो ही करेंगे, आप उसको बेवफाई का नाम दे चाहे कुछ नाम दे, जिंदगी का सबब यही है, जिंदगी और मोहब्बत का सबब यही है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त।